देवगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए मतदान प्रक्रिया हुई, अभी तक एक भी सदस्य ने नहीं किया है मतदान। देवगढ़ नगर पालिका परिसर में आयोजित हो रहा चेयरमैन पद के लिए चुनाव, देवगढ़ नगर पालिका के लिए 25 वार्डों के लिए हुआ तो चुनाव, जिसमें कांग्रेस को 11 वार्डों में मिली थी जीत, वहीं भाजपा को 14 वार्डों में जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत हासिल किया गया। कांग्रेस के तोलाराम खटीक एवं भाजपा से पूर्व चेयरमैन शोभालाल रेगर दोनों के बीच है आमने सामने की टक्कर। क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो भाजपा के शोभालाल दूसरी बार बनेंगे देवगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन। देवगढ़ रिटर्निंग अधिकारी चंद्र प्रकाश वर्मा के सानिध्य में मतदान होगा और सुरक्षा के लिए बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है।